देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। अधिकांश फसलें अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊपर कारोबार कर रही हैं और साथ ही कृषि जींसों के क्षेत्र में उम्मीद दिख रही है। इस कारण अगर मॉनसून अच्छा रहता है, जैसे कि पूर्व अनुमान जताया गया है, तो आगामी सीजन में खरीफ कृषि के जींसों के तहत रकबा सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। वहीं मॉनसून की प्रगति के आधार पर दलहन, जहां अन्य फसलों के मुकाबले दाम कम है, वहीं कपास, तिलहन या यहां तक कि धान की ओर रुख किए जाने की भी संभावना है। खास तौर पर मध्य और पश्चिमी भारत में इसकी अभी संभावना है। वहीं तकरीबन सभी फसलों के मामलों में खरीफ का ये अधिक रकबा ऊंची मुद्रास्फीति के असर से जूझ रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कर सकता है। ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि जींसों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, विशेष रूप से खाद्य वस्तुओं की कीमतें, कम से कम अगले 6 से 8 महीनों तक अधिक ही रहेंगी। वहीं खरीफ फसल की बुआई जून से मॉनसून के आगमन के साथ शुरू हो जाती है और आमतौर पर देश के मध्य और उत्तरी भागों में बारिश की प्रगति के बाद और ज्यादा होती है। वहीं खरीफ सीजन में देश के 10.7 से 10.8 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें उगाई जाती हैं। वहीं खरीफ से पहले के सीजन में, जिसे गर्मियों की कटाई भी कहा जाता है, ये रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 4% अधिक था। वहीं गर्मियों की दलहन की वृद्धि दर करीब 37% थी। वहीं मध्य और पश्चिमी भारत के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तिलहन, कपास और यहाँ तक कि चावल के अलावा भी सब्जियों को फायदा मिल सकता है। वहीं इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक ने कहा, इस साल किसान सोयाबीन के अंतर्गत 5 से 7% ज्यादा रकबा ला सकते हैं, क्योंकि कीमतें पूरे समय लाभकारी रही है और वह अच्छी नजर भी जो फसलें हैं वो भी अच्छी नजर आ रही है। वहीं सरकारी अनुमानों के अनुसार सोयाबीन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 1.1 से लेकर 1.2 करोड़ हेक्टेयर में उगाई जाती है। वहीं मूंगफली और अन्य तिलहनों के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है। वहीं आई ग्रेन इंडिया के जींस विश्लेषक ने कहा कि कपास, मक्का और सोयाबीन की ओर से रूस के जाने से आगामी सीजन में दलहन के रकबे में 15 से 20% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक साल में डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और अन्य इनपुट की लागत में भी ऐसा ही हुआ है। वहीं इस वजह से कोई भी सामान्य किसान उन फसलों की ओर जाएगा जिनमें वह उसे लाभकारी प्रतिफल मिल रहा हो।